Today we are going to discuss the topic of labeling and surveying. Okay, so what actually surveying and as we already know that. So from okay, so now here we know that the instrument that is useful for the labeling, that is dumpy level. Generally we use the dumpy level because it is short and it is very easy to handle. So what is actually the equipment and what it includes and what are the necessary equipments that are required for the surveying of the field. Okay, now we know the concept of labeling. Labeling, what is the importance of labeling? Labeling is useful for to determine the height of the object. Suppose this is the land area. Okay, suppose this is the land area and we have to determine elevation at this point. What is the height of the point at of this point? And suppose we determine what is the height of this point at this point. Consider this point is A and consider this point is B. Okay, ये point A है और ये point B है. ये दोनों में हमको क्या determine करना कि यहाँ पे elevation कितना होगा, height कितना होगा, उसका depth कितना होगा. तो remember that this height is always measured with respect to datum surface. Okay, ये जो height होती है वो generally क्या कहाँ से consider करते हैं हम, with respect to datum surface. Here it is your datum surface. Okay, it is your I'm called it as a D. इसको हम बोलते हैं datum surface. ठीक है, datum surface. तो मतलब क्या होता है कि point A जो है ये datum surface से कितना ऊंचाई पर है और कितना height पर है. Okay, मतलब पॉइंट ए का एलिवेशन क्या है ये हम ये डेटम सरफेस से कंसिडर करते हैं और ये दूसरा है पॉइंट है उसका एलिवेशन क्या है. इफ यू नो दैट हियर इट इज सम एलिवेशन एंड हियर इट इज सम डिफरेंशियल, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द एलिवेशन इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू डेटम सरफेस एंड ऑल्सो डिफरेंशियल इज ऑल्सो कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द डेटम सरफेस. ओके, सो दिस इज वन इक्विपमेंट दैट इज मोस्टली यूज फॉर द लेवलिंग. ओके, हम क्या करते हैं ये लेवलिंग स्टाफ जो है ये पॉइंट ए पर होल्ड करते हैं. ठीक है, पॉइंट ए पर हम क्या करते हैं उसको पकड़ते हैं, ऐसा होल्ड करते हैं पॉइंट ए पर, ऐसा लेवलिंग स्टाफ होल्ड करते हैं. फिर उसके बाद डंपी लेवल से हम रीडिंग लेते हैं. ठीक है भाई, जिस तरह हमने ए पे किया उसी तरह हम लेवलिंग स्टाफ पॉइंट बी पे कंसिडर करेंगे और उसके बाद उसका रीडिंग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हाइट मीन्स रिड्यूस लेवल. Okay, so now this is the equipment that is useful for to determine, to locate the point or to locate the mark or mark the station. So now we इसका reading कैसे करते हैं. ठीक है, इसका reading कैसे करते हैं. Level dump level का अभी आपको पता, पहले leveling staff देख लेते हैं. Leveling staff का ये क्या होता है, generally available in 4 meter range. Okay, 4 to 5 meter की length में जो है leveling staff हमें available होते हैं market में. ठीक है, अभी रिसेंटली प्लास्टिक्स के भी होते हैं और एल्यूमिनियम के भी होते हैं जो कि हैंडल करने के लिए इजी होते हैं. ओल्ड ट्रेडिशनल मतलब कुछ साल पहले ये वुड से बनाए होते थे और वो वहाँ पे यूज करते थे लेवलिंग के लिए, मार्क करने के, स्टेशन मार्क करने के लिए. तो अभी इसको देखिए, इसका रीडिंग अगर आपका क्रॉस हेयर जो है यहाँ पे अगर क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आपका रीडिंग क्या आ जाएगा. ठीक है, देखो 7 point, अभी ये कितना है 3.7. ओके, ये रीडिंग क्या है 7.37 के आसपास आ रहा है रीडिंग. इसका रीडिंग कैसे करते, जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो अगर क्रॉस है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, क्रॉस है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम उसको क्या, हम उसको कैसे रीड करेंगे. हियर इट इज 7 की रेंज में, अगर 2 होता तो 2 की रेंज में, 2 point something आता, 3 होता तो 3 point something आता. तो यहाँ पे देखो अभी क्या 3.7 में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमारा रीडिंग क्या हो गया 7.3123. ओके, 7.123, तो ये हो गया आपका क्या रीडिंग, 7. इसका रीडिंग क्या हो गया क्रॉस हेयर का 7.33 meter. ओके, तो ये हुआ उसका एलिवेशन. ये जनरली लेवलिंग स्टाफ का रीडिंग है. बट जब हम सर्वे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस लेवल करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, डेटम सरफेस जो है उसको कंसिडर करके इसकी हाइट निकाली जाती है. तो कैसे निकालते हैं हम अभी पढ़ेंगे. तो इसके नेक्स्ट पॉइंट है आपका
leveling dumpy level is used generally for the it is the commonly used for level. Okay, an instrument is short and stout, hence it is named as dumpy. ये छोटा instrument होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए handling के लिए भी easy हो जाता है. ठीक है, तो next point is the what is the steps that are necessary. What is the steps that are necessary for the level the to level the dumpy. Okay, setting up level is most important. पहले हम क्या करते हैं, level को set करते हैं. तो किस तरह से set करते हैं देखो, ये point. Okay, तो we have these different accessories, that is tripod stand is necessary, tape is necessary for measuring the distances, also dumpy level is necessary. Okay, now before going to study or before going to level the any object, before going to level any object, we need some basic points, basic highlights we know. Okay, so first of all you have to find out the benchmark of the location near the spot you want to measure. मतलब आपको क्या करना है, पहले benchmark आपको identify करना है. ठीक है, for example ये एक area है, एक land है. ठीक, ये land है, आपको यहाँ पे survey करना है. तो आप benchmark दो type के होते हैं, there are two types of benchmark, one is temporary and another is permanent benchmark. Okay, दो type के benchmarks होते हैं, temporary और permanent. तो परमानेंट बेंचमार्क क्या होता है, जो परमानेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो परमानेंटली फिक्स्ड है, उसे हम परमानेंट बेंचमार्क कहते हैं और वो रेफरेंस के लिए लेते हैं. तो सम कभी और टेम्पररी बेंचमार्क कब होता है, सपोज योर सर्वे इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन 2 to 3 days. ओके, अगर आपका सर्वे 2 to 3 days में कंप्लीट होने वाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी बेंचमार्क सेटअप करके रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप जब नेक्स्ट डे सर्वे करोगे तो आपको सारी चीजें इजीली पता हो जाएगी. ठीक है, तो सपोज ये एक वेल है, यहाँ पे हमने इसको ले लिया टेम्पररी बेंचमार्क, टीबीएम ले लिया. ओके, सर्वे करने के लिए टीबीएम ले लिया, और जो है, और आप इसको परमानेंट भी ले सकते हो. ओके, अगर टीबीएम आप ले सकते हो, कोई भी बड़ा ट्री हो, जो ट्रेडिशनल ट्री हो, कोई भी मार्क कर सकते हो, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा. उसके बाद हम जाते हैं सेटअप द ट्राइपॉड स्टम्प नियर द स्पॉट यू वांट टू मेजर. ओके, आपको क्या करना पड़ता है, ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है इसको आपको सेटअप करना पड़ता है. ओके, सेटअप करने के लिए आपको जो प्लेन होता है, एरिया जो होता है, वो कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए. ओके, मतलब अंडुलेटिंग लैंड नहीं होनी चाहिए. उसके बाद जब हम ट्राइपॉड सेट करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड सेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम ट्राइपॉड स्टैंड सेट करते हैं तो सेट करने की प्रोसीजर होती है. तो प्रोसीजर क्या होती है, पहले देखो कि दो, आप कोई भी दो स्टैंड, कोई भी दो लेग्स है इसके सेट कर दो, और उसके बाद थर्ड की मूवमेंट करो. ठीक है, आप इसमें से कोई भी दो जो है, इसमें से सपोज आपने ये दो फिक्स किए, ठीक है, ये दो पॉइंट्स फिक्स किए, तो आपको इसकी मूवमेंट करनी पड़ेगी. अगर ये आपने दोनों सेट किए तो आपको एक थर्ड की मूवमेंट करनी पड़ेगा, और ये दोनों फिक्स किए तो आपको इसकी मूवमेंट करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द लेवल. नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि कनेक्ट योर डिवाइस टू द ट्राइपॉड स्टैंड एंड पोजिशन इट ओवर अ ट्रू लेवलिंग स्क्रू. ओके, देखो इस तरह से इसको क्या करो, आप टाइप करो इंस्ट्रूमेंट को, ये ट्राइपॉड स्टैंड है तुम्हारा, और ये है तुम्हारा, ये ट्राइपॉड स्टैंड है और ये है तुम्हारा डंपी लेवल. तो ये डंपी लेवल को आप इस तरह से इसको क्या करें, टाइप कर ले और कनेक्ट कर ले. ओके, अप टू टू लेवलिंग स्क्रू. उसके बाद क्या करें, लेवल द डिवाइस बाय एडजस्टिंग द टू लेवलिंग स्क्रू. ये जो तो दो स्क्रू दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो दो स्क्रू दिख रहे हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली. ओके, तो रिमेंबर दैट द मोशन ऑफ दिस, और यू हैव टू रिवॉल्व दिस अकॉर्डिंग दिस, ऐसे आपको रिवॉल्व करना है दोनों साइड से. ठीक है, अगर आप इसको आउटवर्ड, इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मतलब क्लॉकवाइज फिर घुमा रहे हो, तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है, पर कब, यू हैव टू प्लेस दिस लेवल, ये जो लेवल का जो आई पीस है, ओके, नहीं सॉरी, ये जो लेवल का जो फ्रंट एज, फ्रंट पॉइंट है, ओके, और फोकल पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल रखेंगे, ये दो स्क्रू में पैरेलल होगा. ठीक है, और ये जो तीसरा साइट है वो
जो थर्ड स्क्रू है उसको पैरेलल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये होगा तुम्हारा स्टेप नंबर 4। उसके बाद जाएंगे हम स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है कि टर्न योर टेलीस्कोप 90 डिग्री एंड एडजस्ट द थर्ड लेवलिंग स्क्रू। अभी इसको क्या करो, 90 डिग्री करो, इसको पैरेलल करो और उसका लेवलिंग स्क्रू एडजस्ट करो और टर्न अंटिल वाई यू गेट दिस टाइप्स ऑफ लोकेशन। ओके, अब इसको क्या करो, अभी इसको उस तरह टर्न करो कि जिस तरह आपको क्या, ये जो बबल है, वो जो बबल है वो क्या आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो बबल होता है वो टेलीस्कोप पे यहाँ पे बबल होता है। ठीक है, उसको हम लेवल भी बोलते हैं, तो हम उसको लेवल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 6। ये कब यूज किया जाता है, जब व्हेन वी हैव टू डिसाइड और व्हेन वी हैव टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट। नाउ नेक्स्ट इज फोकसिंग द लेवल। ओके, हाउ टू फोकस द लेवल, हाउ हैव यू गेट दिस पॉइंट्स। पार्ट फर्स्ट में हमें क्या करना है, वी हैव टू लेवल को सेटअप करना है। लेवल सेटअप करने के लिए हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट चीज हमें ध्यान में रखनी है कि लेवल जो हमें एक प्रॉपर बेंचमार्क सेटअप करना पड़ेगा, जो बेंचमार्क में भी टेम्पररी हो सकता है, टेम्पररी और परमानेंट हो सकता है। ओके, तो हम दो बेंचमार्क यूज करेंगे, एक परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट किस लिए, क्योंकि जो भी हमें परमानेंट रीडिंग लेनी है उसके लिए, और टेम्पररी किस लिए, जो भी हमें टेम्पररी, मतलब सपोज सर्वे एक दिन में कम्प्लीट नहीं हुआ तो हम उस सर्वे को दूसरे दिन भी कम्प्लीट कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, उसको बेंचमार्क सेटअप करेंगे। उसके बाद करेंगे ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड क्या कर रहे हैं, सेट करेंगे ट्राइपॉड स्टैंड, लेवल सरफेस पे रखो, क्योंकि हमें कम टाइम लगे लेवलिंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें कम टाइम लगे लेवलिंग करने के लिए, तो ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप है हमारी कनेक्ट योर डिवाइस टू द ट्राइपॉड स्टैंड, पोजीशन इट ओवर अ लेवलिंग स्क्रू। ठीक है, उसको कनेक्ट करो डंपी लेवल को ट्राइपॉड स्टैंड पे बाय यूजिंग दिस कनेक्टिंग स्क्रू। इज हियर, स्क्रू कनेक्ट होता है, उससे कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद स्टेप 4 होता है लेवल द डिवाइस बाय एडजस्टिंग द टू लेवलिंग स्क्रू। लेवल कीजिए उसको एक, अभी अब रोटेशन तो इनसाइड होना चाहिए आउटसाइड, बट दोनों का रोटेशन सेम होना चाहिए। अगर आप दोनों स्क्रू को इनसाइड रोटेट कर रहे हो तो आप उसको भी इनसाइड रोटेट कर सकते हो, अगर आउटसाइड कर रहे हो तो दोनों आउटसाइड होने चाहिए। बट व्हाट दिस टेलीस्कोप इज पैरेलल टू दिस। ओके, ये टेलीस्कोप जो है इसको पैरेलल रखो तो आपको लेवल हो जाएगा। फिर उसके बाद है टर्न योर टेलीस्कोप 90 डिग्री एंड एडजस्ट द थर्ड लेवलिंग स्क्रू। इसको 90 डिग्री में टर्न कीजिए और थर्ड लेवल जो है, थर्ड स्क्रू जो है उसको लेवल करो और एडजस्ट करो, रोटेट करते रहो जब तक कि ये आपको स्पेरिकल बबल जो है वो बबल सेंटर में आ जाए उसके लेवल के। ठीक है, ये हो गया आपकी लेवलिंग के सेटअप में। उसके बाद जाएंगे पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे कि रिमूव द डंपी लेवल लेंस। ओके, यहाँ पे लेंस होता है, जनरली आई लेंस होता है, इट प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट फ्रॉम डिफरेंट डैमेजेस, और समटाइम्स कभी कभी क्या होता है इस पर डस्ट आ सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। ये जो कैप है फोकसिंग आई का, वो हम अभी रिमूव करेंगे। उसके बाद दो मिनट हाँ, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे ये जो आई पीस है वो हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। ओके, और लीड पी होती है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी एक प्रोटेक्टिव कैप दिया होता है दैट प्रोटेक्ट द लेंस, ओके, फ्रॉम द डस्ट, फ्रॉम द डैमेजेस। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, एडजस्ट द आई पीस अंटिल यू कैन सी द डिवाइसेस क्रॉस हेयर। मतलब यहाँ पे आपको जब आप डंपी लेवल में देखोगे तो आपको ये क्रॉस हेयर दिखने लगेगा। ठीक है, क्रॉस हेयर में What is the problem here? 2 minutes. ठीक है, तो क्रॉस एयर आपको डंपी लेवल में इस तरह से दिखेगा, और आप क्या करोगे, अपर, ये जो होता है ये पहला फर्स्ट अपर, इट इज अपर स्टेडिया एंड इट इज लोअर स्टेडिया। ओके, अगर आपको ये ऑब्जेक्ट, ये स्टेशन और डंपी लेवल, इसका जब डिस्टेंस निकालना हो तो आप सिंपली टेक द डिफरेंस बिटवीन दिस। आप सिंपली क्या करो, इसका डिफरेंस ले लो, मतलब 15 माइनस 13 इज इक्वल टू
2 meter. ओके, तो ये डिस्टेंस हो गया 2 meter. तो ये फोकसिंग लेवल की. उसके बाद हम देखेंगे कि ट्विस्ट द डिवाइस फोकसिंग नॉब अंटिल द इमेज इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ दिस फोकसिंग आई. ओके, ये फोकसिंग नॉब है. ये फोकसिंग नॉब कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहिए कि आपके आई साइट एडजस्ट हो जाए और आपका सारी चीजें क्लियरली दिखने लगे. ओके, यू गेट दिस ऑल थिंग्स क्लियरली. सो दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ द लेवलिंग. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द लेवलिंग इज दैट द टेकिंग मेजरमेंट, हाउ टू टेक द मेजरमेंट इन लेवलिंग. ठीक है, लेवलिंग में पार्ट किस तरह मेजर किए जाते हैं. तो फर्स्ट पहले स्टेप होती है उसमें कि पोजीशन ऑफ लेवलिंग स्टैंड अप ऑन टॉप ऑफ योर बेंचमार्क. रिमेंबर दैट जब भी आप कोई भी लेवल करो, कोई भी लेवलिंग करो, तो आपको पहला जो रीडिंग होता है, फर्स्ट रीडिंग ऑफ यूअर इज ओके. ओके, वेट अ मिनट. ठीक है, टेकिंग पार्ट, टेकिंग पोजीशन ऑफ लेवलिंग ऑन टॉप ऑफ द योर बेंचमार्क. बेंचमार्क आप जहां पे फिक्स करोगे वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू डिड, टेक द लेवलिंग स्टाफ. लेवलिंग स्टाफ को इस तरह से आपको हेल्ड करना पड़ेगा इन अ स्ट्रेट लाइन. फिर आप क्रॉस हेयर से सेकंड स्टेप में क्या करोगे, हाइट डिफरेंस बिटवीन योर लेवल एंड द बेंचमार्क. ओके, तो आप यहाँ से क्या करोगे, टेलीस्कोप से एक पॉइंट मार्क करोगे, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, कुछ टू पॉइंट मिलेगा. इट इज 14.2 समथिंग अकॉर्डिंग टू दिस. तो उसको आप क्या करें, मार्क कर दीजिए. तो रिमेंबर दैट आप पहले ही रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग कैसे लेंगे हम अभी आपको बताएंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके, तो वो आपने नोट कर लेने की. फिर उसके बाद कैलकुलेट द लेवल्स ऑफ हाइट इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द बेंचमार्क. ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, जो पहला रीडिंग हुआ फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक है, आपने चालू दिस इज द हियर एंड हियर यू सेट अप द डंपी लेवल. आपने क्या किया, यहाँ पे डंपी लेवल सेट किया, डंपी क्या किया आपने, सेट किया. ठीक है, डंपी सेट किया. उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होती है आपकी, बेंचमार्क. सपोज दिस पॉइंट इज एट बेंचमार्क, ये पॉइंट जो है आपका बेंचमार्क का पॉइंट है. ठीक है, इसको हम देंगे बीएम नाम. बीएम मीन्स व्हाट, बेंचमार्क. ओके, ये आ गया बेंचमार्क. तो अब पहला रीडिंग लोगे तो ये पहला रीडिंग आपको कुछ तो भी आएगा, समथिंग इट इज विजिबल. ओके, हमने यहाँ से इसको देखा, इसको नोट किया, ये रीडिंग नोट किया, तो इसको हम लिखेंगे बीएस साइट में. क्या होता है, बैक साइड रीडिंग, उसको क्या बोलते हैं, बीएस बोलते हैं, बैक साइड रीडिंग. नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका इस तरह, देखो ये एक्चुअल हाइट है इंस्ट्रूमेंट की और ये बैक साइड है. पहला जो रीडिंग, पहला पॉइंट जो होता है, ये तुम्हारा बेंचमार्क है, तो ये जो पॉइंट होता है ये आपको क्या, बेंचमार्क का रीडिंग आपको नोट करना है. अगर ये हाइट की इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट आपको डिटरमाइन करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटम तो आपको एज्यूम कर, डेटम आप एज्यूम कर सकते हो, डेटम यू मे एज्यूम द डेटम अप टू 100, 0, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, डेटम आप क्या एज्यूम कर सकते हो, आपको जो वैल्यू कंसिडर करनी आप कर सकते हो. तो सपोज मैंने इनिशियली इसका बेंच मार्क जो है मैंने 100 लिया. ओके, इसका बेंच मार्क मैंने कितना लिया, 100 लिया, 100. सो नाउ हियर द एक्चुअल हाइट of the instrument is calculated by adding the backside reading. इसमें क्या करेंगे, अभी हम backside reading इसमें add कर देंगे. तो आपको क्या मिलेगा, backside reading अगर आपने add कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, height of instrument मिलेगी. इसको क्या, आपको क्या मिलेगी, height of instrument मिलेगी. okay, height of instrument मिलने के बाद आप अब जो भी points लोगे, आप भी सर्वे के लिए जो भी पॉइंट लोगे, सपोज मैंने ये पॉइंट का रीडिंग ले लिया, तो इसका जो रीडिंग होगा, आप यहाँ से ऐसा लोगे, कुछ तो भी रीडिंग आएगा इसका, तो ये तुम्हारा होगा 4 साइड. ओके, ये क्या हुआ तुम्हारा 4 साइड. उसके बाद 4 साइड, दिस इज योर 4 साइड रीडिंग इन दिस वे, सी हियर. ओके, हियर दी find the height of difference between the your level and and the unmeasured spot. ये benchmark आपने लिया, उसके बाद क्या करोगे,
पहला रीडिंग ये अनमेजर्ड, मतलब आपको इसकी हाइट पता नहीं है, आपको क्या करना है हाइट इसकी नोन करनी। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे डंपी लेवल में से ये यहाँ से रीडिंग ले लो, आपको फोरसाइट का रीडिंग मिल जाएगा। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिला है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिला है और एक्चुअल हाइट मिली है, उसमें से उसमें से ये फोरसाइट माइनस कर दो, उसमें से ये माइनस कर दो, फोरसाइट माइनस कर दो। फोरसाइट को हम शॉर्ट में लिखते हैं एफ एस, एफ एस को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा ये पॉइंट का रिड्यूस लेवल। क्या मिल जाएगा आपका, रिड्यूस लेवल। ओके, रिड्यूस लेवल क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू डेटम सर्फेस। ओके, इट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू और द इट इज द लोकेशन और इट इज द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस विच मे बी लाइज लाई अबव और बिलो द डेटम सर्फेस। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस लेवल कहते हैं। बेंचमार्क की डेफिनेशन क्या हो गया है, इट इज अ परमानेंट फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन इलेवेशन। इट इज द परमानेंट फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन इलेवेशन, मतलब क्या, बेंचमार्क का इलेवेशन हमें पता होता है, इसका इलेवेशन हमें क्या पता होता है, पता हो, इट मे बी एज्यूमेबल है, आप इसको एज्यूम कर सकते हो, आप इस बेंचमार्क को एज्यूम कर सकते हो, जीरो एज्यूम करो, टू एज्यूम करो, सो एज्यूम करो, जनरली 100 इज कंसिडर फॉर दी बेंच रिड्यूस लेवल। ओके, तो ये हो गया आपका मेजरमेंट कैसे करते। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक्चुअल में करते कैसे प्रैक्टिकल, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट जो है उसकी मेजर करते हैं, ठीक है। एक्चुअल हाइट मतलब ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से हमने फोरसाइट माइनस की, तो ये आपको ये पॉइंट की क्या मिलेगी, हाइट मिल जाएगी। इसका इलेवेशन आपको पता होता है, ठीक है, इसका इलेवेशन आपको पता होता है, इसको हम कंसिडर करते हैं 100, इसको हम कंसिडर करते हैं 100, उसके बाद हम अदर्स पॉइंट। और ये सारे पॉइंट जो है, ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है वो इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड दोनों में से, दोनों में ही कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है, जब हम सर्वे करते हैं तो उसके लिए एक रीडिंग बुक होती है, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, रीडिंग बुक हम यूज करते हैं कि बुक में नोट कैसे, नोटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ अभी कि कैसे बुकिंग करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक टेबल हम छोटे से बनाते हैं ऐसा। उसके बाद पहला पॉइंट, पहला कॉलम आएगा स्टेशन का, सेकेंड कॉलम आएगा तुम्हारा बी एस साइट, थर्ड कॉलम आएगा आई एस दैट इज इंटरमीडिएट साइट, फोर्थ कॉलम आएगा फोर्थ साइड एंड दिस वन इज रिड्यूस लेवल, ठीक है, दिस वन इज योर रिड्यूस लेवल। वेट अ मिनट, एक मिनट। ओके, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, इसमें हम लिखेंगे स्टेशन, इसमें बी एस आएगा, दैट इज हियर इट इज बैक साइड रीडिंग। ओके, हियर इट इज बैक साइड रीडिंग, आई एस रीडिंग इसमें आता है, एफ एस रीडिंग। जब भी आप सर्वे करो, तो इसमें क्या बता हुआ है, जब भी आप सर्वे करो तो पहला रीडिंग आपका, पहला स्टेशन आएगा बेच, पहला स्टेशन आएगा बेंचमार्क का, उसमें पहला रीडिंग जो है, व्हाट इज योर फर्स्ट रीडिंग, दैट इज बैक साइड रीडिंग। उसके बाद सारे रीडिंग आएंगे वो आई एस में आएंगे और मे बी ऑन द इन द फोर साइड रीडिंग। ओके, सो नाउ व्हाट इज इट, सी हियर, द इट कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग द इलेवेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ कॉलिमेशन दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एवरी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड देन ऑब्टेनिंग द रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट विद रेफरेंस टू रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, इसमें क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको इंस्ट्रूमेंट सेटअप करके उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के बाद आपको क्या मिलता है, रिड्यूस लेवल, जिसका हमें एलिवेशन पता होता है। एलिवेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉलिमेशन फॉर अ फर्स्ट सेटअप ऑफ अ लेवल इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द बैक साइड टू द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंचमार्क। ठीक है, मतलब आरएल की जो बेंचमार्क होती है, आरएल का जो बेंचमार्क का जो आरएल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बैक साइड ऐड करके हाइट ऑफ कॉलिमेशन और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। उसके बाद है रिड्यूस लेवल, आरएल इंडिकेट दैट द रिड्यूस लेवल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।
So reduced level of a intermediate point and a first change point are then obtained by subtracting the stop reading taken from on this point, that is intermediate site or foresight, from the elevation of plane of collimation. ठीक है, from the elevation of plane of collimation. मतलब आपको हर सब्सिक्वेंट पॉइंट की रिड्यूस लेवल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइट माइनस करनी पड़ेगी और फोर साइड माइनस करनी पड़ेगी. अगर इंटरमीडिएट साइट है तो इंटरमीडिएट माइनस करो, फोर साइड है तो फोर साइड माइनस करो. व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड टू सेकंड पोजिशन अ न्यू प्लेन ऑफ कोलिमिनेशन इज सेटअप. हाँ, बहुत कभी कभी क्या होता है जब हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलग से सेटअप करना पड़ता है, फिर से हम नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है. तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है, द लेवल ऑफ द टू प्लेन्स ऑफ द कोलिमिनेशन आर कोरिलेटेड बाय मीन्स ऑफ द बैक साइड एंड फोर साइड ऑन अ चेंज पॉइंट. द इलेवेशन ऑफ दिस प्लेन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द न्यू बैक साइड टेकन ऑन द CP, that is change point from the second position to on the level to the RL of the first CPL. The RL of the first successive point and second CP are found by subtracting their stop reading from the elevation of this plane of collimation. So this is case of height of instrumentation. Now next is, इसके लिए हम क्या करते हैं, arithmetic checks बनाते हैं. अरिथमेटिक चेक करना पड़ता है, मतलब आप बैक साइड में से फोर साइड सब्सट्रैक्ट करो, उसकी जो सब्सट्रैक्शन होगी वो लास्ट और फर्स्ट आरएल के डिफरेंस से इक्वल होनी चाहिए, तो आपका अरिथमेटिक चेक क्या होता है, सही होता है. उसी तरह जैसे हम हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड और किए, उसी तरह राइज एंड फॉल एक अनदर मेथड भी यूज करते हैं जब हमें लेवल रिड्यूस लेवल निकालनी हो कोई भी ऑब्जेक्ट की और कोई भी पॉइंट की ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके, तो इसमें भी हम उसी तरह प्रोसेस करते हैं, सिर्फ इसका मेथडोलॉजी है. अगर जो सरफेस है, ओके, सपोज दिस इज योर पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट एरिया है. अगर यहाँ पे अगर डेटम पॉइंट जो है वो डेटम के नीचे आता है, ये देखो ये जो पॉइंट है डेटम के नीचे है, ये जो पॉइंट है इसके डेटम के नीचे, तो आपको फॉल माइनस में रीडिंग माइनस में आती है, तो हम इसको फॉल कॉलम में लिखेंगे, फॉल का कॉलम होता है उसमें लिखेंगे. ठीक है, अगर इन पॉइंट अगर आप यहाँ से पॉइंट लेते हो तो इसको राइज के कॉलम में लिखेंगे. ओके, इसको राइज के कॉलम में लिखेंगे, तो ये होगा आपका राइज एंड फॉल मेथड. अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा. नाउ अभी सर्वे कैसे कंडक्ट करते हैं, हाउ वी कंडक्ट दी सर्वे. नाउ हियर दिस इज दी सिंपल लेवलिंग. ओके, इसको हम बोलते हैं सिंपल लेवलिंग. सिंपल लेवलिंग में क्या होता है, देखो ये डेटम सर्फेस आपको दिख रहा है, वर्टिकल डेटम यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके बाद ये बैक साइड रीडिंग है. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, ये इसका इलेवेशन आपको पता होता है 100 मीटर, इसमें अगर आप बैक साइड ऐड करो तो आपको क्या मिलेगी, एच एच, दैट इज जेड. ए मीन्स वॉट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको निकालनी है, तो क्या होता है जेड ए प्लस बी एस. ओके, जेड ए क्या होता है, रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंच मार्क, इसका बेंच मार्क का एलिवेशन आपको पता होता है, आपको ये इसमें ऐड करना पड़ता है. फिर जेड बी आपको निकालना है, मतलब ये पॉइंट का एलिवेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से यहाँ पे जो रीडिंग आया है लेवलिंग स्टाफ का वो माइनस कर दो, आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट का एलिवेशन मिल जाएगा. ओके, ये पॉइंट का क्या आपको मिल जाएगा एलिवेशन मिल जाएगा. इसको बोलते हैं हम सिंपल लेवलिंग, वी कॉल्ड इट एज अ सिंपल लेवलिंग. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका रीडिंग. देखो रीडिंग कैसे लिया जाता है, ठीक है, इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है. हियर रीडिंग इज, दिस इज बी एस साइट, दिस इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे लेवलिंग स्टाफ, यहाँ पे सब मार्क करते हैं, तो करेक्ट रीडिंग क्या है, 2.04. ओके, हियर इट इज मेन क्रॉस हियर, इट इज स्टेडिया क्रॉस हियर, अपर क्रॉस एंड इट इज स्टेडिया क्रॉस हियर. इसको अप लोअर स्टेडिया बोलते हैं, इसको अपर स्टेडिया बोलते हैं, एंड दिस इज दी फील्ड. ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ यू हैव टू कंडक्ट द कलेक्ट द डेटा ऑफ द फील्ड फ्रॉम द सिंपल लेवलिंग. ओके, उसी तरह हम जाएंगे मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं कंपाउंड लेवलिंग. कंपाउंड लेवलिंग में क्या होता है, देखो अभी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है. कंपाउंड लेवलिंग में क्या होता है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, सम पॉइंट्स आर नॉट विजिबल,
कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते, ठीक है, एक एक ही पोजीशन से पॉइंट्स विजिबल नहीं होते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड लेबलिंग यूज करते हैं। मतलब सपोज यहाँ से ये सारे पॉइंट्स विजिबल नहीं, ये पॉइंट विजिबल नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका एक कंपाउंड लेबलिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज दैट हियर द सेटअप द इंस्ट्रूमेंट। ओके, आप क्या, आपने आप आए फील्ड में, इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद आपको क्या मिला, लेवल किया, तो पहले रीडिंग आपने बेंचमार्क का ले लिया, ये 49 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है, 49.873 आ गया एग्जांपल के लिए मैंने। उसके बाद ये एक पॉइंट ले लिया इंटरमीडिएट साइड का, उसके बाद ये पॉइंट ले लिया इंटरमीडिएट साइड का, और ये लास्ट पॉइंट ले लिया, उसको फोर साइड में हम ऐड करेंगे, फोर साइड का ऐड कर लिया, ठीक है, ये आएगा 1.49। तो ये हो गया तुम्हारा फोर साइड। रिमेंबर दैट फर्स्ट रीडिंग इज बैक साइड रीडिंग, लास्ट रीडिंग इज फोर साइड रीडिंग। ओके, फर्स्ट रीडिंग जो होता है वो क्या होता है, बैक साइड रीडिंग होता है, लास्ट रीडिंग क्या होता है, फोर साइड रीडिंग। ओके, सर्वे कंप्लीट करने के बाद जो भी लास्ट रीडिंग होगा वो आप क्या करोगे, फोर साइड में डालोगे, और फोर साइड और बैक साइड के बीच में सारे जो रीडिंग्स होंगे वो सारे आप किस में डालोगे इंटरमीडिएट साइड में। ओके, इंटरमीडिएट साइड में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद, ओके, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद ये पोजीशन हमने सेटअप कर ली, जो स्टेशन होगा वो स्टेशन वही रहेगा। फिर इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद हम पहला रीडिंग जो लेंगे वो बैक साइड रीडिंग होगा। ओके, बैक साइड रीडिंग होगा, बैक साइड रीडिंग होने के बाद आप सारे रीडिंग्स ले सकते हो। ओके, बट रिमेंबर दैट जैसी प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो की उसी तरह से प्रोसीजर हमें यहाँ भी फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, जैसी प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो की उसी तरह आपको ये यहाँ पे भी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, पहले हमने लिया बैक साइड रीडिंग के बाद इंटरमीडिएट साइड रीडिंग आया, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग के बाद आया फोर साइड रीडिंग। ओके, तो हमने सारे फोर साइड रीडिंग नोट कर लिए। ओके, तो ये जो होता है ये पॉइंट, मतलब शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको हम बोलते हैं चेंज पॉइंट। ओके, शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम इसको बोलते हैं चेंज पॉइंट। उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, इसको लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको हाइट ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। ओके, स्टाफ पोजिशन रीडिंग्स विद अलॉन्ग विद साइट, सिमिलरली वी हैव टू कंडक्ट दिस प्रोसीजर फॉर दिस थर्ड चेंज पॉइंट। ओके, सो ये जो होता है, ये जो प्रोसीजर, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लेवलिंग। व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ कंपाउंड लेवलिंग, इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लेवलिंग, ठीक है। उसके बाद है न्यूमेरिकल, ठीक है, हैव यू गॉट दिस, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, हैव यू गॉट दिस, सिंपल लेवलिंग क्या होती है, कंपाउंड लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अभी नोटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, नोट कैसे करते हैं, हाउ टू रीड द नोट्स। ओके, नेक्स्ट, हाँ बोलो सर, ये जो सर मतलब ये जो हम लोग ट्राइपॉड सेट करते हैं, हाँ वो सर मतलब हमेशा सर डेटम लाइन से ऊपर ही रहेगा। हाँ, डेटम लेवल के ऊपर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कभी कभी क्या होता है, जब जब डीप जॉर्ज वैली जाती है, ठीक है, मतलब जब बड़ा, अगर सपोज कभी कभी क्या होता है, सपोज यू आर टेकिंग डेटम, मतलब ऐसे पॉइंट्स होते हैं राइज एंड फॉल में, वो नीचे भी आते हैं डेटम के, ठीक है, तो नीचे अगर आते हैं। हेलो सर, आई एम नॉट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट। ओके ओके, ठीक है, रिपीट कर देते हैं हम, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट में देखते हैं। मैं आपको इसमें बता दो, व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है, एक मिनट। कंसीडर द ड्राइंग, ओके, ड्राइंग कंसीडर कर लेना। सपोज आपको सर्वे करना है, ये एक एरिया है, यहाँ पे आपको सर्वे करना है, डंप, इसका एलिवेशन निकालना है। जनरली हम क्या करते हैं, इसका एलिवेशन निकालना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डंपी लेवल सेटअप करना पड़ेगा। व्हाट वी डू, वी हैव टू सेटअप दी डंपी, डंपी लेवल सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये सपोज हमने यहाँ पे किया डंपी लेवल सेट, ठीक है, ये पॉइंट पे हमने डंपी सेट कर दी।
ये क्या डंपी सेट यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट सिंपल लेवलिंग, उसके बाद हम कंपाउंड लेवलिंग पे जाएंगे। उसके बाद हमने किया लेवलिंग स्टाफ लिया और ये पोजीशन पे आ गए, ये पॉइंट पे आ गए, ठीक है, ये पॉइंट पे आ गए। ये तुम्हारा हुआ गया बेंचमार्क, इट इज योर व्हाट बेंचमार्क, इट इज योर व्हाट बेंचमार्क, ओके, ये तुम्हारा बेंचमार्क है। तो रिमेंबर दिस, साइमल्टेनियसली आई एम फिलिंग दी टेबल हियर, कि टेबल कैसे फिल किया जाता है। स्टेशन हियर, स्टेशन इज देयर, हियर इट इज योर बीएस रीडिंग, बी फॉर बीएस, आई फॉर इंटरमीडिएट एंड एफ फॉर फोर साइड रीडिंग, ओके, एंड हियर इट इज योर रिमार्क। रिमार्क में हम लेते और वी कंसिडर इट एज अ रिड्यूस लेवल, हम इसे कंसिडर करेंगे आरएल, ठीक है, आरएल हम कंसिडर करेंगे। ड्रॉ किया ड्राइगर, तो रिमेंबर दैट जब भी आप सर्वे लेवलिंग करने जाते हो तो सबसे पहला रीडिंग जो होता है बेंचमार्क का, बेंचमार्क का पहला रीडिंग जो होता है वो होता है तुम्हारा बैक साइड रीडिंग। क्या होता है बैक साइड, मतलब आप क्या करते हो टेलीस्कोप से यहाँ पे देखते हो, तो ये आपका क्या होगा बैक साइड रीडिंग। तो इसमें जो भी रीडिंग आएगा तो हम उसको क्या करेंगे यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेशन बेंचमार्क, ओके, रिमार्क, आप इसको नाम भी दे सकते हो, ए बी सी आपको दे सकते हो, डाल सकते हो, और आपको यहाँ पे रिमार्क में भी डालना पड़ेगा बेंचमार्क, ओके। इसका सपोज कंसिडर द रीडिंग ऑफ दिस इज 0.14, ऐसा आया इसका, ठीक है, 0.14 ऐसा रीडिंग आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये रीडिंग यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, ठीक है, नोट किया। उसके बाद हम गए नेक्स्ट पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट हमने लिया यहाँ पे, वी हैव टू कलेक्ट दिस पॉइंट इज हियर, ओके, फ्रॉम द इक्विपमेंट, फ्रॉम द डंपी लेवल वी हैव टू रेंज इट एंड वी गॉट द रीडिंग लाइक दिस, हमें ये रीडिंग, इसका कुछ तो भी रीडिंग मिल गया। तो ये रीडिंग हम कहाँ लिखेंगे, इंटरमीडिएट साइड में लिखो, यहाँ पे स्टेशन ए नाम देते हैं, ए का यहाँ पे हम लिखेंगे ए, ठीक है, ए का स्टेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड का रीडिंग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम ए मार्क करते हैं, ठीक है, इसको हम ए मार्क कर देते हैं। उसके बाद फिर से हमने सर्वे किया, हमें यहाँ पे एक रीडिंग और मिली, तो हमने क्या किया एक रीडिंग ले लिया इससे, विच ग्रीन कलर से, ये हमारा आ गया, सपोज दिस इज अवर लास्ट रीडिंग, ओके, कंसिडर ये जो हमारा है वो लास्ट रीडिंग है, कंसिडर दिस इज अवर लास्ट रीडिंग, ये जो है हमारा लास्ट रीडिंग है, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको एफ एस में लिखेंगे, इसको पॉइंट देते हैं हम बी, हम इसको पॉइंट देते हैं बी, इसको हम बोलते हैं बी। बी क्या होता है आपका, रिमेंबर दैट सर्वे करते समय आप जो भी होगा लास्ट रीडिंग जो भी होगा वो क्या होता है तुम्हारा फोर साइड रीडिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है फोर साइड रीडिंग। अभी देखो हमने क्या किया, ये इंस्ट्रूमेंट लिया, ओके, ये इंस्ट्रूमेंट लिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ओके, सपोज दिस इज ओ वन इज द फर्स्ट पोजिशन एंड नाउ वी मूव दिस टू द सेकेंड पोजिशन दैट इज ओ टू, हम इसको क्या करेंगे ओ टू पे जाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने, यहाँ पे आए हम, इंस्ट्रूमेंट सेट किया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सेट किया, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद फिर से हमने क्या करना है, जो प्रोसीजर हमने अभी फॉलो की वही प्रोसीजर हमको क्या करनी है, रिपीट फॉलो करनी है, पर चेंज पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे मेनी ऑफ स्टूडेंट हैविंग प्रॉब्लम हियर, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम कहा आता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद पहला रीडिंग कहाँ लिखने का है, ठीक है, पहला रीडिंग कहाँ लिखने का है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी अभी देखो स्टेशन भी हमने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है ना कि स्टेशन, ओके, हमने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है ना कि स्टेशन। तो अगर आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलग है, ठीक है, यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है अलग है, यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, हियर द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑटोमेटिकली चेंज्ड, ओके। सो नाउ हाउ टू डिटरमाइन दिस हाइट और हाउ टू डिटरमाइन दिस, तो सिंपली गो, सिंपली रिपीट द सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर कर दो, पहला रीडिंग जो आएगा वो बैक साइड रीडिंग आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टेशन भी एज इट इज रहेगा, पर यहाँ पे जो रीडिंग आएगा वो आपको कहाँ लिखना है, बी स्टेशन के फोर साइड, मतलब बैक साइड में, ओके,
बी स्टेशन के बैक साइड में, मतलब यहाँ पे आ गया आपका बी, सपोज दिस इज बी डैश, हम इसको अलग से करेंगे बी डैश, ओके, इसको हम बी डैश, इसका रीडिंग आया तो आपको ये आ गया। फिर उसके बाद आपका स्टेशन आएगा पॉइंट सी, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका सी पॉइंट, आपने स्टेशन सी किया यहाँ पे इस्टेब्लिश, स्टेशन सी आपने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और स्टेशन डी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो ये आ गया आपका सी और लास्ट में हम लेंगे डी, ठीक है, ये आ गया डी, ये आपके सारे रीडिंग्स आ गए, ठीक है, डी और एस में। हियर सिमिलरली रिपीट द सेम प्रोसीजर, यहाँ से आओ प्रोसीजर रिपीट करो, क्या करो, ये जो रीडिंग है ये आपका सी का रीडिंग आएगा, ये पॉइंट सी है, सी स्टेशन का कुछ रीडिंग आएगा, स्टेशन सी मार्क करो, इसको हम अभी लिखेंगे सी में, सॉरी इसको हम लोग अभी लिखेंगे इंटरमीडिएट साइड में, ओके, इसको हम अभी लिखेंगे इंटरमीडिएट साइड में। इंटरमीडिएट साइड में लिखने के बाद आपको नेक्स्ट रीडिंग लेना पड़ेगा जो कि लास्ट रीडिंग होगा, अगर आपका सर्वे एंड हो रहा है, ठीक है, अगर आपका सर्वे एंड हो रहा है, अगर आपका सर्वे एंड हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक साइड का रीडिंग है उसको फाइनल करना पड़ेगा, फोर साइड, ये जो लास्ट रीडिंग है डी वाल डी पॉइंट का, उसको आपको लिखना है, यू हैव टू राइट दिस इनटू द फोर साइड, ओके। तो ये आपका आ गया डी रीडिंग। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, टेबल फिलअप करना है, टेबल फॉर्म करना है, और फॉर्म करने के बाद आपको रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्या प्रोसीजर होती है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसका आरएल आप कंसिडर कर सकते हो 100, ओके, 100 करो, 50 करो, 60 करो, जो आपको इट इज एज्यूमेबल क्वांटिटी, इट इज एज्यूमेबल अमाउंट क्वांटिटी, ओके, आप इसको एज्यूम कर सकते हो, इट मे बी 100, ओके, इसको बोलते हैं 100, आपने एज्यूम किया। तो रूल क्या बोलता है, मतलब आप व्हाट यू डू, यू हैव टू डू दैट दिस फॉर डिटरमाइनिंग, अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की हाइट आपको निकालनी है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हाइट आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए जो बैक साइड रीडिंग है, ठीक है, बेंचमार्क का एच आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एच आई इज इक्वल टू दिस रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग, ओके, प्लस बैक साइड रीडिंग, ये जो रीडिंग आया ना इसका, ये जो रीडिंग है ना, आपको इसकी आरएल में, सपोज आपने आरएल अज्यूम की 100, ओके, आपने आरएल अज्यूम की 100, तो 100 में ये चीजें क्या करो, आप ऐड कर दो, जो भी बीएस होगी वो आपको क्या मिल जाएगी, एचआई मिलेगी। एचआई मिलने के बाद आपको क्या करने का है, ये पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है, पॉइंट ए का रिड्यूस लेवल निकालना है। तो सिंपली क्या करोगे, पॉइंट ए का मैं लिखता हूँ आरएल ऑफ पॉइंट एल, आरएल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू, अभी देखो एच आई आपको पता है, एच आई में से एच आई माइनस यहाँ पे जो रीडिंग होगा, यहाँ पे जो रीडिंग होगा उसको माइनस कर दो, ठीक है, इसको माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, आर एल ऑफ ए। उसी तरह से क्या करने का है, पॉइंट बी का, अभी देखो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है कि इसका रिड्यूस कैसे निकाले, पहले क्या होगा, अगर सिमिलरली पॉइंट बी के लिए हम चेंज पॉइंट है, इसलिए ये चेंज पॉइंट है, इसलिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज पॉइंट है ना, पॉइंट बी का क्या होगा, अभी देखो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है तो ऑब्वियसली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, चेंज होगी, इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, ऑब्वियसली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज चेंज्ड, ओके ओके ओके। मैग्नीफाइंग मतलब उसकी रेंज होती है, ठीक है, टेलीस्कोप में रेंज होती है 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर तक हम इसको रेंज कर सकते हैं, वो मैग्नीफाइंग डिपेंडिंग अपॉन द इक्विपमेंट और डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो ये ठीक है, तो बी अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी आ गए, इसका आर एल आपको पहले निकालना पड़ेगा, तो आर एल ऑफ बी कैसे निकालोगे, सिमिलरली आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट, एच आई, एच आई में से माइनस करो, एच आई माइनस आर एल ऑफ बी, मतलब B का जो पॉइंट होगा वो माइनस करो, आपको क्या मिलेगी, आर एल ऑफ बी, ओके। अभी क्या करने का है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, ठीक है, अभी यहाँ से इंस्ट्रूमेंट आके यहाँ पे हुआ तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली क्या होगी, चेंज होगी। तो सपोज दिस इज एच वन, एच आई वन, सॉरी एच आई वन है, अभी पॉइंट बी का इलेवेशन हमें क्या करना है, पॉइंट सी का इलेवेशन निकालना है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगी, पहले आप क्या करोगे, ये जो रिड्यूस लेवल है, रिमेंबर दिस,
ये जो रिड्यूस लेवल है दैट इज आर एल ऑफ बी प्लस प्लस दिस बी डैश, मतलब ये आर एल और ये जो बी डैश है इसका रीडिंग क्या करो, इसमें ऐड कर दो, ठीक है, इसमें क्या करो ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगी, एच आई टू मिलेगी, क्या मिलेगी, एच आई टू, एच आई टू मीन्स वॉट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट की हाइट मिलेगी, दैट इज एच आई टू, ओके। तो ये एच आई टू अभी यूज करो, एच आई टू में से, एच आई टू में से आप माइनस करोगे सी, एच आई टू में से आप अगर सी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर एल ऑफ सी, आपको क्या मिलेगा, आर एल ऑफ सी, गेट इट दिस पॉइंट्स, ऑल यू गेट इट दिस, ये कॉन्सेप्ट आया धर्म में, हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएगी, पर ओके ठीक है, तो ये हुआ आपका, ऐसे ऐसे आपको कंटिन्यूअसली सर्वे के टाइम पे करना, ओके, ये बहुत लेंथी वर्क होता है, मतलब आप पहले फील्ड पे जाओ, फिर डेटा कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसके बाद डेटा फील्ड करो, डेटा फील्ड करने के बाद आप क्या, आपको रिड्यूस लेवल निकालनी पड़ती है, ओके। कंटूर जब हम पढ़ेंगे तो कंटूर में किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है और किस तरह से हाइट निकाली जाती है, वो सारी चीजें हम अभी कंटूर के जब लेक्चर होगा तब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और उसका प्लॉटिंग कैसे करेंगे वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, और उस डिफरेंशियल को कंपाउंड लेवलिंग भी बोलते हैं, और उसमें रीडिंग कैसे ली जाती है, ठीक है, रीडिंग कैसे ली जाती है, तो ये हुआ आपका, हैव यू गॉट दिस, क्लियर दिस ऑल, क्लियर हुआ आपको ये सब, हाँ बोलो, ये पूछना था जैसे जो सर बेंचमार्क स्कोर हम लोग लेते हैं, हाँ जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब यहाँ से पहला जो पॉइंट होता है बेंचमार्क हम क्यों लेते हैं, रेफरेंस के लिए, ओके, बेंचमार्क हम क्यों लेते हैं, रेफरेंस के लिए, और रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू दैट बेंचमार्क, व्हाटएवर रीडिंग्स, व्हाटएवर रिड्यूस लेवल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, दैट रीडिंग्स और दैट पॉइंट, दैट रिड्यूस लेवल्स आर विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क, ओके। तो आप उसको 100 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है, इट इज एज्यूमेबल क्वांटिटी, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी ये होता है, जो भी हाइट होती है वो हम डेटम सरफेस से ही लेते हैं, वी हैव टू मेजर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेटम सरफेस। तो सिंपली डेटम का मीनिंग क्या होता है, मतलब ये फिक्स्ड है, ऐसा है डेटम होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, वो जनरली मीन सी लेवल के बराबर होता है, ठीक है, डेटम सरफेस क्या होता है, मीन सी लेवल जो होता है उसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये जो पूरी हाइट है, ठीक है, मतलब ये अब हम इसको अज्यूम करके चलते, ये जो बेंचमार्क है हमारा क्या है, डेटम सरफेस है, और ये जो सारी रीडिंग्स होगी, मतलब पॉइंट ए, पॉइंट ये जो पॉइंट्स है ये सारे किसके रिगार्डिंग है, विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटम सरफेस, ओके, ये बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में किया जाता है सब, ठीक है। तो बेंचमार्क को आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन सरफेस होता है, मतलब हम क्या कंसिडर करते हैं, ये जो बेंचमार्क है इसका जो हाइट है वो किसके इक्वल है, मीन सी लेवल के, अल्टीट्यूड के बराबर है, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेंचमार्क। देखो अभी ये पॉइंट डेटम के नीचे आ गया, ये पॉइंट डेटम के नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये पॉइंट नीचे आ गया, तो इस तरह से ये क्या होता है, मार्क किया जाता है, ठीक है। ये पूछ रहे थे जो सर हमेशा मतलब बेंचमार्क लेते हैं, हमेशा डेटम लाइन से लेते हैं। हाँ डेटम लाइन से ही लेते हैं। तो जैसे अगर कोई सर सरफेस है और सर एलिवेशन है, हाँ, बेंचमार्क होता है वो मीन सी लेवल के इक्वली होता है, ठीक है, ओके।
और ये है न्यूमेरिकल. ओके दिस इज द न्यूमेरिकल. हम ये न्यूमेरिकल अब देख लेंगे कैसे इसमें रीडिंग की जाती है. ठीक है, एनोटेट कितना पड़ेगा. ओके ये देखो अभी इसमें क्या बोला है इन्होंने कि फॉलोइंग आर द रीडिंग्स वेर टेकन ड्यूरिंग द सर्वे. ओके फॉलोइंग रीडिंग्स वेर टेकन सक्सेसफुली विद द लेवल ऑफ लेवलिंग स्टाफ दैट इज 0.25 रीडिंग्स लिए. द लेवल वॉज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड सिक्स रीडिंग. रिकॉर्ड दिस रीडिंग इन द टेबल एंड फाइंड आउट द रिड्यूस लेवल ऑफ द डिफरेंट पॉइंट. एज्यूम द आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज 100 मीटर. अप्लाई यूजुअल चेक्स. यूजुअल चेक्स मीन्स अरिथमेटिक चेक. ठीक है, हम क्या करेंगे सिंपली एक टेबल बना लेंगे. ठीक है, एक दो स्टेशन वाला दो तीन चार यहाँ पे टेबल बना लेंगे. फर्स्ट है स्टेशन पॉइंट. ओके फर्स्ट इज स्टेशन. यहाँ पे स्टेशन होता है, यहाँ पे बीएस साइट होती है, आईएस साइट, एफएस साइट, एंड इट इज योर रिड्यूस. हियर इट इज योर रिड्यूस लेवल. ठीक है, हियर इट इज योर रिड्यूस लेवल. तो अभी क्या होता है देखो उन्होंने क्या बोला है, पहले पॉइंट का जो है रिड्यूस लेवल कितना कंसिडर करना है, 100 कंसिडर करना है. हमने इसके कंसिडर किए 100. ओके उसके बाद नेक्स्ट है पहला रीडिंग कौन सा है. पहला रीडिंग जो भी होगा वो आपको क्या कंसिडर किया जाएगा, बेंचमार्क किया कंसिडर किया जाएगा. क्या कंसिडर किया जाएगा, बेंचमार्क कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, तो इसमें पहला रीडिंग कौन सा है, 0.25. यहाँ पे लिख दो 0.25. ओके ये लिखो. कंसिडर दी राइटिंग. राइटिंग कंसिडर कर सकते हो. स्टेशन हम इसको स्टेशन वन नाम देंगे. उसके बाद क्या बोला है. ओके सेकंड अभी देखो यहाँ पे द लेवल वॉज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड एंड सिक्स रीडिंग. ओके थर्ड रीडिंग कौन सा, ये पहला रीडिंग हो गया, ये सेकंड रीडिंग. सेकंड रीडिंग आएगा 5 इंटरमीडिएट साइड में 0.50. ओके इसको बोलते हैं 0.50. ये हुआ 0.50. थर्ड रीडिंग ये हो तुम्हारा, ये क्या है थर्ड रीडिंग 0.30. कहाँ पे आएगा आपका, एफएस में आएगा 0.30. कहाँ पे आएगा 0.30 में आएगा. उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, द लेवल वॉज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग. थर्ड रीडिंग शिफ्ट करने के बाद पहला रीडिंग क्या आता है आपका, मतलब इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद पहला रीडिंग क्या होता है, बैक साइड रीडिंग. यहाँ पे 1, हियर इट इज योर 2.2, हियर इट इज 3. ओके द लेवल इज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग, मतलब थर्ड रीडिंग आपका फोर साइड रीडिंग हुआ, उसके बाद आने वाला रीडिंग जो होगा वो क्या हो गया, फोर साइड रीडिंग हुआ. तो ये आ गया आपका 1.565. ये आ गया आपका 1.565. ओके ये आ गया आपका 1.565. उसके बाद ये गत दिस इज फोर्थ रीडिंग. फिफ्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग आपका आएगा 2.150. कहाँ पे आएगा, आईएस में आएगा. आईएस में क्यों आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है सिक्स रिंग के बाद क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा. तो दिस इज फिफ्थ रीडिंग 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज फिफ्थ रीडिंग. ओके एंड दिस इज सिक्स रीडिंग. ये सिक्स रीडिंग जो है वो कहाँ पे आएगा आपका, एफ एस में आएगा. तो राइट इट इन राइट इज राइट दिस रीडिंग है ना एफ एस, इसको आप राइट करो एफ एस में. एफ एस में क्या आएगा 0.3560. ओके 3.560 आएगा. उसके बाद शिफ्ट की इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया थर्ड के बाद सिक्स्थ के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया तो ये दो रीडिंग्स जो है ये इसमें से एक रीडिंग कहाँ पे आएगी आपकी, बैक साइड में आएगी. द रीडिंग इज कम इन द बैक साइड. द रीडिंग इज कम इन अ बैक रियर. रीडिंग इज कम इन अ बैक साइड. सो दिस इज वॉट 0.450. ठीक है 450. एंड द लास्ट रीडिंग इज एफ एस रीडिंग 1.5
1.260, ठीक है, 1.260 इज द ट्रस्ट लिमिट। ये सारे ये इस तरह से हमने टेबल बना लिया। इसका टेबल बनाने के बाद हम इसको अभी कैलकुलेशन करेंगे, रिड्यूस लेवल निकालेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? प्रिपेयर टेबल कैसे प्रिपेयर किया, हैव यू गॉट दिस? यस सर। ओके, इसका अभी आप लोग इस पे असाइनमेंट कीजिए, ठीक है। कल आप मुझे इसका सॉल्यूशन स्क्रीन शेयर करोगे कि इसमें आपने किस तरह से आरएल निकाला है, ठीक है, किस तरह से आपने आरएल निकाला है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आरएल को आपको प्रोसीजर कंसिडर ध्यान में आ गई होगी, अगर नहीं हुई तो आप हम कल फिर उस पर रिपीट करेंगे कि किस तरह से आरएल कंप्यूट करते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। हैव यू गॉट दिस? दिस पॉइंट इज अप टू दिस, आपको मिला सब कुछ? ये इंपॉर्टेंट है, आपको रिपोर्ट भी बनाना है ट्रेनिंग क्या, ठीक है। आपने जो जो पॉइंट्स पढ़े, और इस सैटरडे आपकी टेस्ट भी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगी, तो सर्वे के रिलेटेड सारे पार्ट्स आपको कंसिडर करने मतलब पढ़ने हैं, और उसके बेस ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। समझा? ये सारी चीज़ें समझ में आई है?